दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा कुछ इस तरीके से लिखी गई है कि केंद्र की सत्ता में अपना कब्जा जमाने के लिए किसी भी राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय पार्टी को कोई बहुमत नहीं मिल पाया। नतीजतन यहां पर भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 10 सालों से एक छत्र देश की राजनीति पर राज करती हुई नजर आ रही थी, हर्ष 2024 के आते आते ये होता है कि हिंदुत्व, राम मंदिर जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी देश के मतदाताओं के बीच जाती है और यहाँ बहुमत परीक्षण के वक्त पर यहाँ जो है कमी कहीं ना कहीं खलती हुई नजर आती है, क्योंकि 272 के जादुई आंकड़े को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ये सोच थी कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 2019 की तरह फिर से रिपीट हो सकता है और उससे बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में, विशेष तौर पर बात करें तो हिंदी पट्टी के राज्यों में, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था, वहां पर कांग्रेस ने जमकर यहां पर मेहनत की और उसका प्रदर्शन ये रहा कि 99 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब नजर आई। ऐसे में आगामी वक्त में विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, ये वो राज्य हैं जो देश की राजनीति में एक अहम स्थान रखते हैं और इन राज्यों में आगामी 3 से 4 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को बनाने वाले या उसके पुरोधा कहे जाने वाले नीतीश कुमार इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत की भी बात करेंगे, क्योंकि बिहार की सियासत में इन दिनों जबरदस्त सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गठबंधन के साथ सरकार चलाते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू के 12 सीटें जीतने को लेकर के जिस तरीके का यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है और पार्टी के तमाम नेता यहाँ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आगे प्रोजेक्ट करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन चुकी है कि यदि नीतीश कुमार जैसे ये दिग्गज नेता पार्टी का साथ छोड़ते हैं या गठबंधन से अलग होते हैं तो सत्ता धराशाही हो सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उस वक्त देश की राजनीति की रूपरेखा, देश की राजनीति का मानचित्र बदलता हुआ नजर आएगा। उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन जमकर यहां पर मेहनत करने वाले ये तमाम नेता जो है अपने प्रदर्शन से काफी खुश नजर आएंगे और ऐसे में स्थिति यह बनी कि 234 सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके आज भी सरकार बनाने के तमाम दावे ठोकता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की 2 बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं और इन दोनों बैठकों में ये चर्चाएं की गई है कि किसी भी वक्त यदि मौका मिलता है तो केंद्र की सत्ता में वापसी करने से इंडिया गठबंधन का कोई भी दल यहाँ पर बिल्कुल परहेज नहीं करेगा और कोई सोच विचार करने वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लिहाजा बिहार में सियासी तनातनी, नीतीश कुमार की पार्टी के 7 विधायक यहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जाते हुए आरजेडी की तरफ दिखाई दे रहे हैं और 6 विधायकों के साथ जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में जो जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं वो सरकार भी आने वाले दिनों में धराशाही हो सकती है। राजनीति के तमाम जानकारों का ये कहना है कि ये पूरा सियासी खेल स्वयं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने की है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के साथ उनकी जुगलबंदी देखने को बनती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच मझधार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ पर सवार नीतीश कुमार जिस तरीके से नाराज नजर आए, उस दौरान तमाम जेडीयू कार्यकर्ताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लिहाजा नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं और ऐसा ही अब कुछ होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा की बात कर ली जाए तो आरजेडी वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन करके जो 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी वो पार्टी आज भी सरकार बनाने की परिस्थिति में दिखाई दे रही है। 17 महीने तक नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाने वाले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज नेता तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर जो भी परिणाम होंगे और जिस भी तरीके की रणनीतियां तैयार की जाएगी, आरजेडी उन रणनीतियों को तैयार करने के लिए बिल्कुल सोच विचार करने की स्थिति में नहीं होगी, यानी कि बिहार की सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए तेजस्वी यादव अपनी कमर कस चुके हैं। बिहार में 250 से अधिक रैलियां करने के बाद तेजस्वी यादव ने यह तो दिखा दिया है कि किस तरीके से उनका लंबा राजनीतिक भविष्य उन्हें नजर आ रहा है।
लेकिन पार्टी का प्रदर्शन शायद उतना बेहतर नहीं रह पाया। नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर कभी भी यहाँ पर कटाक्ष ना करने वाले तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा हमारे साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे। दरअसल दोनों नेता पटना से दिल्ली आते वक्त एक ही फ्लाइट में नजर आए और दोनों के बीच कुछ राजनीतिक गुफ्तगू भी देखने को मिली। यानी कि बिहार का सियासी समीकरण आने वाले कुछ ही घंटों में बदल सकता है। बिहार में जिस तरीके की सियासी रणनीतियां तैयार हो रही हैं, वो रणनीतियां यहाँ पर बीजेपी के माथे की चिंता की लगीरें बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि 2025 में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जेडीयू को ये इंतजार है कि नीतीश कुमार भी क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठने का उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में है। बिहार इस वक्त देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है और देश की राजनीति को साधने के लिए तमाम नेता जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके नाम की चर्चा से अधिक चर्चा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के नाम की हो रही है। आखिरकार के दोनों नेता देश की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में बढ़ते हुए यहाँ पर उभरते हुए चेहरे के रूप में देखे जाएंगे, क्योंकि अब चर्चाएं तो उस वक्त भी चली थी जब इंडिया गठबंधन का गठन किया गया और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की तमाम यहाँ पर चर्चाएं हुई और उसके दौरान ये तैयार किया गया, ये रूपरेखा तैयार की, ये रणनीतियां तैयार की कि नीतीश कुमार यदि एनडीए गठबंधन में नहीं जाते हैं तो बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की सत्ता में इंडिया अलायंस एक बड़ा उलटफेर करने में कामयाब हो सकता है। लिहाजा नीतीश कुमार की कमी खलती हुई नजर आई और बिहार में इंडिया अलायंस को उम्मीदों के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाए। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव, जिनके पास 7 विधायक जेडीयू पार्टी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि इस पूरे खेल को खुद नीतीश कुमार अमली जामा पहना रहे हैं, क्या बिहार में नीतीश कुमार अपने बाद तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि बिहार में तेजस्वी जैसा ओजस्वी नेता बार बार पैदा नहीं होता है और ऐसे में बिहार को अपने इस नेता को बचाए रखना है और अपार जन समर्थन देने की आवश्यकता है। यानी कि बिहार की सत्ता में तख्ता पलट होने में कुछ ही देर की यहाँ पर इंतजार लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का ये पूरा सियासी समीकरण है, इसमें नीतीश कुमार अब उस धुरी पर आकर के खड़े हो गए हैं जहां से केंद्र की सत्ता ही नहीं बल्कि बिहार की सत्ता को बचाने या बिगाड़ने में एक अहम रोल निभा सकते हैं। 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम कर चुके नीतीश कुमार को शायद खुद भी ये उम्मीदें नहीं होंगी कि इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिसमें हर कोई देश की राजनीतिक पार्टी या देश का बड़ा दिग्गज चेहरा यहाँ पर नीतीश कुमार की तरफ देख रहा होगा। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो राजनीतिक संबंध रहे हैं, क्या वाकई में बिहार में एक बार फिर से सत्ता का तख्ता पलट कर पाएंगे और क्या तेजस्वी यादव की इस बार चीफ मिनिस्टर पद पर ताजपोशी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।